नमस्कार मित्रों, भारतीय इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। हमारे सिलेबस में ये एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से दो तीन सवाल हमारी परीक्षा में आते हैं। मित्रों, इसको हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति कई नामों से जाना जाता है। हम इस सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले तो हम एक रूपरेखा बनाएंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसको हम 8 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। वो मेरा अपना तरीका है इसको खंडों में विभाजित करके पढ़ाने का। एक हम बात करेंगे सामान्य परिचय। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय देते हुए दो पहलुओं की बात करेंगे कि सामान्य परिचय में भी हमें क्या इसमें जानना है, तो स्वरूप संबंधी और एक लिपियों संबंधी जो जानकारी है उसकी हम बात करेंगे, विशेषकर तिथि के संदर्भ में। तो स्वरूप संबंधी बातें और तिथियां संबंधी बातें, इन दो पहलुओं को हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय में। सामान्य परिचय की बात करने के पश्चात हम बात करेंगे इसके नामकरण के संदर्भ में, जो भी इसके मत हैं। नामकरण बात करेंगे, फिर हम इसके कालक्रम के संदर्भ में, और कालक्रम के संदर्भ में भी कार्बन डेटिंग पद्धति क्या कहती है और अन्य मत क्या कहते हैं। दो चीज़ महत्वपूर्ण है इसमें, एक तो कार्बन डेटिंग पद्धति, इसके अनुसार इसका क्रम क्या निकलता है और अन्य विद्वानों के इसमें क्या मत है, ताकि हमें एक अच्छे से एक रूपरेखा बन जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के किन पहलुओं को हमको जानना है। और फिर हम बात करेंगे उद्भव संबंधी मत पर। तो 3 पॉइंट तो ये, और फिर हम बात करेंगे उद्भव संबंधी मत। उद्भव संबंधी मत और उद्भव संबंधी मतों में दो प्रकार की बातें हैं, एक तो स्वदेशी संबंधी मत जो सिंधु घाटी सभ्यता को इसी स्वदेश से जोड़ के देखती है, और एक विदेशी उद्गम संबंधी मत। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता तो बाहर से आई थी, उसके संदर्भ में दो तीन विचार वक्तव्य है, उनकी हम बात करेंगे। फिर इसके हम एक महत्वपूर्ण पहलू को जानेंगे और वो है इसका भौगोलिक विस्तार। फिर एक बिंदु है इसका, 5वें नंबर पर पढ़ेंगे हम इसका भौगोलिक विस्तार। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसमें फैला हुआ है। तो हम इसमें जानेंगे कि अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल है, पाकिस्तान के किस किस क्षेत्र को कवर करता है, और भारत में कौन कौन से स्थल है। ये प्रश्न आता रहता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के जो प्रमुख स्थल हैं, कहाँ कहाँ इसका भौगोलिक विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, इस पहलू को हम समझेंगे। और एक पहलू जो इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। पिछला हमारा बिंदु रहा है कौन सा, 5 तक हमने बात की।
फिर हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, सैंधव संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, और विशेषताओं में इसकी नगर योजना कैसी है, राजनीतिक जीवन कैसा है, सामाजिक जीवन कैसा है, आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा है। तो विशेषताओं में हमको अध्ययन करना है विशेषकर इसकी नगर योजना, यहाँ से सवाल आते हैं, और इसका सामाजिक जीवन, इसके धार्मिक जीवन की विशेषताएं, क्योंकि यहाँ से अवधारणात्मक सवाल बनते हैं, राजनीतिक जीवन संबंधी विशेष बातें क्या क्या दिखलाई देती है, और विशेषकर इसका आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की विशेषताएं। और आर्थिक जीवन में भी कृषि, पशुपालन, उद्योग शिल्प, आर्थिक जीवन में भी कृषि, पशुपालन, उद्योग शिल्प, व्यापार वाणिज्य के जो तमाम पहलू है वो, कला और लिपि के संदर्भ में भी यहाँ बात करेंगे। तो उसमें हम ऐसे करेंगे, अलग बिंदु बनाएंगे, और वो होगा सांस्कृतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, और कुछ पहलुओं की बात करेंगे जैसे कि कला और लिपि, क्योंकि यहाँ कलाकृति और लिपियों के बारे में अक्सर सवाल बनाए जाते हैं। तो ये हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता संस्कृति की विशेषताएं, और जब विशेषताओं का अध्ययन कर लेंगे तो सातवां महत्वपूर्ण बिंदु पतन, कि इतनी महान सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ। पतन के संदर्भ में दो बातें, एक तो जो प्रमुख मत है उनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, और दूसरा जो अन्य मत है उनकी भी हम बात करेंगे, और जो कुछ बचा कुचा रह जाएगा उसको पढ़ेंगे हम आठवें में, अन्य प्रमुख तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो मित्रों, इस प्रकार से पहले हम एक रूपरेखा बना लें कि हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि चीज़ें इतनी बिखरी हुई है, उसको सुसंबद्धित करके पढ़ने से हमें न केवल तथ्यों की जानकारी, तथ्य हमें याद होते हैं, बल्कि कहीं न कहीं उस पूरे युग का एक समग्र बोध हमें प्राप्त होता है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच हमारी विकसित होती है, अवधारणात्मक। जैसे सवाल पूछते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का कौन सा एक पहलू नहीं है, तो इस प्रकार के सवाल भी फिर हम बहुत आसानी से बना पाते हैं। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी ये है कि जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता हमारे दिमाग में आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसके कितने पहलुओं को जानना है, और यदि हमने इन सब पहलुओं को जान लिया तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता से कोई सवाल बचना ही शेष नहीं है, सभी सवालों का बोध हो जाएगा। अब मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य परिचय, तो आप टॉपिक बना लेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में कौन सी बात हमको मुख्य तौर से याद रखनी है? एक बात तो ये मित्रों कि जिस हड़प्पा सभ्यता का हम अध्ययन कर रहे हैं, यह हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। क्यों? क्योंकि हमने पिछली भी क्लास में बात की कि आद्य ऐतिहासिक काल वह होता है जहां लिपि तो है पर उसे पढ़ा नहीं जा सका। सैंधव सभ्यता की अपनी लिपि है, हालांकि दक्षिण के विद्वान रेवरेंड हैरिस ने ये दावा किया है कि मैंने इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की है,
ब्राह्मी लिपि से जोड़ करके, लेकिन फिर भी वो एक उनका दावा है, सर्वमान्य है कि सैंधव लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो पहली बात तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध, हड़प्पा सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है। आद्य ऐतिहासिक काल से है और आद्य ऐतिहासिक काल से मतलब ये हुआ कि इसकी लिपि तो है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इस प्रकार हम साहित्यिक स्रोत पर यहाँ निर्भर नहीं है, साहित्यिक स्रोत होते हुए भी हम यहाँ पुरातात्विक स्रोत पर ही निर्भर है। और जहाँ साहित्यिक स्रोत ही नहीं है, केवल पुरातात्विक स्रोत है, तो वो तो फिर आपका प्रागैतिहासिक काल हो गया। और ध्यान रहे मित्रों, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसा, और कांसा तांबा और टिन के मिलाने से बनता है। ध्यान रहे, तांबा और टिन, तब कांसे का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन भी एक बार यूपीएससी में पूछा हुआ है कि कांसा किन दो धातुओं से मिलकर के बनाया गया, और ये इनकी अपनी कलाकारी थी कि इन्होंने पहली बार, वैसे तो मानव द्वारा निर्मित पहली धातु तांबा है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के वासियों ने एक नया प्रयोग किया और तांबे के साथ टिन को मिलाया, कांसे का निर्माण किया। और आप ध्यान रखें कि कांसे के औजार प्राप्त हुए हैं, अन्य तत्व मिलते हैं, कांसे के उपकरण मिलते हैं, तो टिन को और तांबा को मिला करके कांसा बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। एक और बात, हड़प्पा काल में भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकसित सोपान में थी, उस समय विश्व के अन्य भागों में भी नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ। जैसे वांगहो नदी घाटी में चीनी सभ्यता का विकास हुआ, दजला फरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसको वर्तमान इराक आप कहते हो, तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ, और नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन तमाम सभ्यताओं से सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की रही है। ये भारत देश के लिए कितने गौरव करने वाली बात है कि हमारी सभ्यता न केवल अत्यधिक प्राचीन सभ्यता है, बल्कि जहाँ लोगों में ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, वहाँ हमारी नगरीय संस्कृति अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थी। तो एक बिंदु हमको ध्यान रखना है कि हड़प्पा काल में विश्व के अन्य भागों में भी हड़प्पा काल में विश्व के हड़प्पा काल में विश्व के अन्य भागों में भी नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ, नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ। और इस संदर्भ में तीन सभ्यताओं को आप विशेषकर याद रखेंगे। वांगहो नदी घाटी में
हुआंग हो, नदी घाटी में चीनी सभ्यता का विकास हुआ। असल में नदी घाटियों के किनारे किनारे ही इन सभ्यताओं का विकास होता था। अब तो नदी का स्थान सड़कों ने ले लिया, अब तो राजमार्गों के किनारे किनारे शहरों का विकास हो रहा है। दजला फरात नदी घाटी में, दजला फरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया, दजला फरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसको आप कहते हो वर्तमान इराक। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। और तीसरा आप जानते हैं मिस्र की सभ्यता, नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। कौन सी नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। वांगो नदी घाटी में चीनी सभ्यता का विकास, दजला फरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास, और नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि हड़प्पा सभ्यता की ज़्यादातर साम्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से की गई है। इसको लिख लेंगे आप कि हड़प्पा सभ्यता की ज़्यादातर साम्यता हड़प्पा सभ्यता की ज़्यादातर साम्यता हड़प्पा सभ्यता की ज़्यादातर साम्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सभ्यताएं एक ही हैं, दोनों में अंतर नहीं है, बहुत सारा अंतर है। लेकिन इतिहासविदों ने, इतिहास के ज्ञाताओं ने नील नदी या चीनी सभ्यता से नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के समीकरण मुख्य तौर से मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ जोड़े हैं, उसी से साम्यता और विषमता की बात मुख्य तौर से की जाती है। एक बिंदु ध्यान रहे मित्रों, हम सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं और वो ये चौथा बिंदु के रूप में ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वह एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वह एक नगरीय सभ्यता थी और भारतीय संदर्भ में इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। तो सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, भारतीय संदर्भ में इसे, भारतीय संदर्भ में इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। भारतीय संदर्भ में इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है, ये ध्यान रखें। असल में देखो, इसको ऐसे समझेंगे आप, तीन नगरीय क्रांति है। ये है
प्रथम नगरीय क्रांति और ये है हड़प्पा काल, क्योंकि यहाँ भी नगर योजना, नगरों का निर्माण, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सब आप जानते हैं। और द्वितीय नगरीय क्रांति उसे कहते हैं जो 6वीं सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। द्वितीय नगरीय क्रांति ये 6वीं सदी ईसा पूर्व, याद कीजिए आप, जो महाजनपद काल है और जहाँ वैशाली और मगध जैसे राज्य नगरों का उदय हो रहा था। और एक तीसरी नगरीय क्रांति है, तीसरी नगरीय क्रांति ये है आपका सल्तनत काल। इरफान हबीब ने सल्तनत काल को तीसरी नगरीय क्रांति के रूप में विश्लेषित किया है। तो ध्यान रहे कि हमारे तीन नगरीय क्रांति हैं। प्रथम नगरीय क्रांति का संबंध हड़प्पा काल से है, द्वितीय नगरीय क्रांति का संबंध 6वीं सदी ईसा पूर्व से है, और तृतीय नगरीय क्रांति का जो संबंध है वह सल्तनत काल से है। तो मित्रों, ये एक सामान्य परिचय के एक महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको, हमने कहा कि जिस प्रकार से पहले चीज़ों को तोड़ दो और तोड़ करके उसे फिर क्रम क्रम से हम देखेंगे तो कोई भी पहलू वहाँ छूट नहीं पाएगा। आज के लिए हम इतनी ही बातचीत करेंगे। RPSC फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ, और लगभग 450-450 घंटे के व्याख्यानों में हम पूरा प्रयास करेंगे कि संपूर्ण इतिहास आपके नोट्स में आ जाएगा। इधर हम भी PDF नोट्स बनवा रहे हैं, टाइपिंग चल रही है, आपको बैटर देंगे। इतिहास में आपको और कोई पुस्तक नहीं पढ़नी है, सिर्फ आप अपने क्लास नोट्स और दिए गए आपको रीडिंग नोट्स से अध्ययन करना है। 120 सवाल RPSC फर्स्ट ग्रेड में आने हैं, वो 120 सवाल पर हम अपना दावा प्रकट करते हैं। बाकी आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, असीम शुभकामनाएँ हम आपको प्रदान करते हैं। रेनेसा संस्थान आपके उत्कृष्ट, आपके बेहतर भविष्य की कामना व्यक्त करता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।